हेलो गाइस, मेरा नाम है राज। आप देख रहे हैं गेमिंग फीवर। आज अपने एक अनबॉक्स करने वाले अपने नए पीसी की। मैंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी बोला था मैं एक नया पीसी लेने वाला हूँ बहुत ही जल्द। और जिसने मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और जल्द से जल्द अपने को सब्सक्राइबर करवा दो 1K तक। तो चलो आज अपने मेरे नए पीसी के ऊपर डिटेल मतलब वीडियो बनाते। डिटेल वीडियो नहीं बनाएंगे, मेरे को इतने बारे में पता नहीं है, तो आज अपने उसके बारे में बात करेंगे। और चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये रहा मेरा सामान जो मैंने मेरे पीसी के लिए लिया गया है। और ये रहा मेरी दो डिस्प्ले डेल की 144 हर्ट्ज़ की मैंने लिए। मतलब एक मेरे को पड़ी है 10,000 में, ऐसी मैंने दो लिए। और एक ये मैंने कीबोर्ड लिया है जी ट्रांसफॉर्मेशंस का, जिसमें खाली माउस नहीं है, खाली कीबोर्ड में लेके आया। 2-3 दिनों में फिर मैं माउस ला दूंगा। और ये रहा मेरा थर्मल टेक का कैबिनेट जो मेरे को पड़ा है 8,000 में आसपास। मेरे को अभी तक पता नहीं है कितने में पड़ा है। और ये सो गाइज, ये रहा मेरा जो अंदर का सामान है। ये रहा ग्राफिक्स कार्ड जी फोर्स का GTX 1050 Ti का ग्राफिक्स कार्ड। और ये रहा मदरबोर्ड गीगाबाइट का B460M DS3A3H AC का मेरा मदरबोर्ड। और ये रहा मास्टर कूलिंग का मेरा जो MWE550 का 230 वोल्ट्स का है। और ये रहे जो दो जो मेन आइटम्स है जो मेरे पीसी को बहुत ही अच्छी तरह से मतलब खेलने में मदद करता है, जैसे कि ग्राफिक्स और वो सारा चीज़ें। कोर i7 का 9th जनरेशन का फ़ैन लिया, और ये 10th जनरेशन का कोर i7 का अनलॉक मैंने ऊँची पाती वो ली है। और मेन थिंग ये, जैसे अपने देखते हैं इतना सारा सामान मेरे को 1,20,000 में पड़ा है। और ओवर लुक दे दूँ आपको, तो चलो अब ओवर लुक देते, इसको बिल्ड करते वो कैसे करते वो सब आपको एक टाइम लैप्स के अंदर बता देता हूँ। Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. I just wanna be happy, happy tonight. सो गाइज, ये रहा मेरा पीसी जो मैंने अभी बिल्ड करवाया, जो आपने टाइम लैप्स देखा होगा। ये रहा मैंने इसमें पीसी, मैंने थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा किया इसमें, जो सीरीज थी वो एक्स्ट्रा मैंने डाल दी है। अंदर कुछ लाइटिंग वाला डाला नहीं है, मेरा इतना बजट नहीं था। सामने से आप देख सकते हो पीसी का कैसा लुक आ रहा है, साइड से भी आप देख सकते हो। और ये रहा दो मॉनिटर, आप देख सकते हो इधर डुअल डिस्प्ले कर दिए मैंने इसको। और ये रहा मेरा कीबोर्ड, और ये माउस कीबोर्ड माउस का माउस पैड और वो सारा आता है, ये देख सकते हो। अभी नॉर्मल मैंने माउस रखा। और ये टेक डॉक्ट का हेडफोन है जो मेरे पास पहले था। और ये रहा हल्क, और ये रहा थॉर, बहुत ही पसंद है मेरे को। और लॉजिटेक का ये वेबकैम लिया था मैंने, वो 1 से 2 साल पहले। 2 साल तक तो ऐसे ही पड़ा था, फिर मैंने इस मतलब लॉकडाउन के अंदर अंदर मैंने इसको यूज़ करने लगा। और आप देख सकते हो कैसा मैंने बनाया है, जैसे
जैसा मेरे को चाहिए था वैसा ही मेरे को दिया गया है ये, और मेरा पुराना वाला लैपटॉप वो नीचे पड़ा और ये टेबल मैं ऑफिस से उठा के लेके आ गया। सो गाइज, आपको कैसा लगा ये अपने जो मैंने सेटअप किया है, इसमें मैंने क्या चेंज करवाना चाहिए था, क्या नहीं कर लेना चाहिए था, जो चीज़ अपने को नहीं लेनी थी वो कमेंट डाउन में बताओ मेरे को, क्या क्या नहीं लेना चाहिए था और क्या लेना चाहिए था। इसमें बहुत कुछ चीज़ अभी लेना बाकी है मेरे को, अभी इसके अंदर लिक्विड कूलिंग फ़ैन भी चाहिए, वो सारी चीज़ अपने लेना बाकी है। अभी मेरा बजट खाली 120 तक था, तो मैंने अभी जो मेन मेन चीज़ चाहिए थी वो मैंने ली है, और इंटेल का i7 10th जनरेशन, वो एक हफ्ता लगा मेरे को डिलीवर होने में, बहुत ही टाइम लग गया था। और जो बंदे ने मेरे मेरे को हेल्प की थी वो है पंचम इन्फोटेक करके है, उन्होंने मेरा पूरा पीसी बिल्ड किया है पूरा, पूरी मतलब देखो डुअल डिस्प्ले, अभी दोपहर को आए थे डुअल डिस्प्ले का काम करने, वो करके गए, पीसी का थोड़ा बहुत काम करके गए, जो अभी करना बाकी था वो अभी सब करके गए, मेरे को अभी कीबोर्ड भी दे के चले गए, खाली माउस का थोड़ा टाइम लगेगा, और हेडफोन का मैंने जो tech.com का मैंने जो यूज़ कर रहा था मैं 2 साल से, वो बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है, बस इसमें थोड़ी बहुत खराबी चल रही है जो कभी कभी बीच में नॉइज़ आना बंद हो जाता है। तो मेरे को बताओ कैसा लगा आपको मेरा सेटअप, ये जो मैंने लिया है वो लेना चाहिए था कि नहीं, मेरे को कमेंट डाउन करो, और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाकर फॉलो भी करो, यूज़र आईडी इधर आ रही होगी तो ओवरलुक दे देता आपको मेरा, ये देख सकते हो ये रहा पूरा सेटअप, और ये कुछ मेरा रूम है, ये इधर ट्रेडमिल और वो सब पड़ा है, साइकिलिंग और वो सारा इधर देख सकते हो। बस अपने इधर तक ही रखते हैं, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करने का मेरे चैनल को, जितना हो उतना शेयर करो और कमेंट करो मेरे को, जो मैंने सामान लिया है वो सही लिया है कि गलत लिया है, मेरे को सारा कमेंट करो मेरे को। तो चलो आज के लिए बस अपने इधर तक ही रखते हैं, क्या करना है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। अपना पीसी भी आ गया है और जल्द से जल्द अपने GTA 5 डाउनलोड हो रही है, मैं दिखा देता हूँ आपको GTA 5 मेरी डाउनलोड हो रही है, कावी पीसी ये रही, GTA 5 डाउनलोड हो रही है मेरी, बस कितना 61% हो चुका है मेरा, जल्द से जल्द अपनी GTA 5 डाउनलोड हो जाएगी। और ये रहा मेरा फ्रेंड पाविन, जिसने मेरी बहुत मदद की है लाइटिंग में, देख सकते हो। तो चलो आज के लिए बस अपने इधर तक ही रखते हैं। वेलोरेंट डाउनलोड कर दिए, GTA 5 डाउनलोड कर दिए, बहुत मतलब अच्छी अच्छी गेम लाऊंगा, आप मेरे को कमेंट डाउन करो मेरे को कौन कौन सी गेम डाउनलोड करनी चाहिए। #GamingFever की जनता, चलो गुड बाय, गुड सेफ और गुड नाइट।